अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल सईद और आप लोग देख रहे हैं माइंड इन्फॉर्मेशन व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हीटर का जो नया स्टॉक हमारे पास पहुंचेगा, तो हर एक हीटर का इसी चैनल पे हम रिव्यू देंगे। तो हीटर का जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक हमारे पास अनलिमिटेड जो है वो पहुँच चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1.7 किलो वाट का जो छोटे रूम के लिए यूज़ होता है, 10 × 10 10 × 10 रूम के लिए, 10 × 12 रूम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं छोटे रूम के लिए। तो अब देखिए, सर्दियों का जो सीज़न है वो आ चुका है, हर बंदा जो है वो मार्केट में हीटर परचेज करना चाहता है और वो 2200 वाट का जो है इलेक्ट्रिक जो है वो हीटर परचेज कर लेता है और फिर बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो उससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जिन लोगों के नहीं पता ये जैपनीज़ हीटर कैसे वर्क करते हैं, कितनी वोल्टेज लेते हैं, तो आज मैं इसी वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। ये जो है छोटे 1.7 किलो वाट का हीटर है और वाट्स ये लेता है 15 से 20 वाट होता है, यानी कि आपके घर में यूज़ होने वाला एक एनर्जी सेवर जितनी वोल्टेज ये कंज्यूम करेगा। और बाकी जो है इसकी जो है जितनी भी कंजम्पशन है वो गैस पे होती है, गैस से इसकी हीटिंग होती है और इलेक्ट्रिसिटी से जो है इसका आपका ब्लोअर मोटर चलती है और उसके साथ जो है ये पावर डिस्प्ले जो होती है वो ऑन हो जाती है इसके साथ। कि देखें, इसमें ये जो छोटे रूम के लिए हीटर होते हैं इसमें 15 से 20 वाट होते हैं, इसमें मुख्तलिफ साइज़ हमारे पास आते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन से हीटर हैं, ये जैपनीज़ हीटर हैं और बाहर से जो है जापान से इंपोर्ट किए जाते हैं कंटेनर के थ्रू। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ आते हैं और जापान में आपको पता होगा कि जैपनीज़ जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट होते हैं और पाकिस्तान में फिर जो वोल्टेज यूज़ होते हैं वो 220 होते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट 220 पे यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो इसमें जो है इसका कार्ड वगैरह जो है वो जल जाता है। तो जब इसे पाकिस्तान में जो है इम्पोर्ट किया जाता है तो इसके साथ ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक छोटा सा अडाप्टर होता है जो कि 220 वोल्ट को जो है वो 110 वोल्ट पे कन्वर्ट करके इस हीटर को देता है। तो आप बआसानी जो है इस हीटर को यूज़ कर सकते हैं और इसके गैस का जो है एक बैक साइड पे पॉइंट होता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये इसके साथ जो है आपने इसे यूज़ करना होता है। 1.7 किलो वाट का ये हीटर है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये राउंड वाला मॉडल है और ये फ्लैट मॉडल है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि फ़्लैट और राउंड में क्या फ़र्क होता है, तो राउंड होता है थोड़ा सा पुराने वाला मॉडल और जो फ्लैट वाला मॉडल है ये थोड़ा अप मॉडल में आता है, तो इसके जो प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये राउंड वाला मॉडल है, ये फ्लैट मॉडल है। उसके बाद चलते हैं इसके बैक साइड पे, इसका बैक साइड में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि बैक साइड पे क्या होता है। तो बैक साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक गैस पॉइंट होता है, उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर लगा होता है और यहाँ पे इसका मॉडल वगैरह इसके जो भी कंजम्पशन है वो लिखी होती है और यहाँ पर देख सकते हैं जैपनीज़ है। अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके गूगल ट्रांसलेट आप डाउनलोड करके इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आप इसे सर्विस करना चाहते हैं तो आप इसे जो है सर्विस कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसका फ़िल्टर खोल के आप इसे वॉश करके वापस लगा सकते हैं। और ये गैस का पॉइंट है और इसके बैक साइड पे ये आप तार देख सकते हैं, इसके साथ जो है आपने ये अडाप्टर जो है वो कनेक्ट करना होता है। ये जब कनेक्ट होगा तो उसके बाद आपने गैस लगानी है और गैस के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कलर का बटन है और यहाँ पे दरमियान में दो बटन दिए गए हैं जो कि आप इसे के टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसे चाइल्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, इग्निशन की आवाज़ दे रहा है। जब तक इसे गैस नहीं लगेगी तो इसी तरह ये इग्निशन की आवाज़ देगा और फिर ये एरर दे के बंद हो जाएगा। तो गैस लगाना ज़रूरी है, गैस लगाएंगे और यहाँ से टेम्परेचर आप अपने रूम के हिसाब से जो है वो सिलेक्ट करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल वर्क नहीं होता। अगर आप इसे ट्रांसलेट भी करना चाहते हैं तो वही मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसलेटर जो है वो डाउनलोड करें और आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। 1.7 किलो वाट का हीटर है, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं छोटे रूम के लिए। अभी मैं आपको इसके सेफ्टी के हवाले से बता देता हूँ कि सेफ्टी इसकी कैसे होती है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम इसे रात को यूज़ कर सकते हैं या यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप सोने से पहले जो है इसे 10 मिनट यूज़ करेंगे तो रूम आपका जो है वो टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, गर्म हो जाता है रूम, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। तो देखिए, बात करने का मकसद ये है कि इसमें जो है सेफ्टी पॉइंट लगे होते हैं, गैस आपके किसी टाइम भी चली जाती है तो गैस जो है ऑटोमेटिक इसमें एरर देगा गैस का, और गैस अगर आ जाती है और हीटर ऑन रहता है तो इसमें ये जो है आपके गैस के साथ ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा, आपको इसे जो है दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये सेफ्टी होती है। अब बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि ये नेचुरल गैस का हीटर है और
हमारे पास जो है नेचुरल गैस नहीं है तो क्या ये एलपीजी पे ऑपरेट कर सकते हैं? तो जी एलपीजी पे भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो सिलेंडर के ऊपर छोटा सा रेगुलेटर लगाना पड़ता है, क्योंकि देखिए एलपीजी जो गैस है उसका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा तेज़ होता है नेचुरल गैस की निस्बत। तो उसके लिए जो है आपको छोटा सा रेगुलेटर यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद जो है आप सिलेंडर से कम गैस भी खोल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है एलपीजी गैस में ओरिजिनल हीटर चाहिए तो वो भी हमारे पास आते हैं, एलपीजी वाले आते हैं हमारे पास ओरिजिनल, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो बहुत सारे इलाके इस तरह होते हैं कि उनके पास जो है वो नेचुरल गैस नहीं होती, तो हमारे पास एलपीजी वाले गैस भी आते हैं, जेन्युइन भी आते हैं। और अगर आप उसको बाद में जो है वो जेट चेंज करवाना चाहते हैं तो जेट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये 1.7 का आज का जो हीटर है आज इसका रिव्यू था हमारा। तो ये जो है इसकी प्राइस में यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जो इसमें देखें ये राउंड वाला जो हीटर है इसकी प्राइस स्टार्ट होती है हमारे पास 8500 से और 9500 तक हमारे पास प्राइस जाती है, क्योंकि इसमें ये फ्लैट मॉडल भी आता है राउंड वाला भी आता है, तो मुख्तलिफ प्राइस इसमें होती हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमें इसे जो है वो ऑनलाइन परचेज़ करना है, ऑनलाइन घर बैठे जो है इसे घर तक मंगवाना चाहते हैं, तो वो हम जो है इसकी अच्छी तरह से पैकिंग करके आपके घर तक भी पहुंचवा सकते हैं। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन को आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है आपको नंबर मिल जाएंगे, ब्रांचेज़ हैं हमारी आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप इसे घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपके घर तक महफूज भी मिल सकता है। तो आज का यही वीडियो थी आज की, तो अगर पसंद आई हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।